खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां निश्तर अस्पताल में जाली खिदमत देने वाला डॉक्टर, जाली डॉक्टर 6 माह से रात की शिफ्ट में डॉक्टर बनकर आ रहा था, खुद को डॉक्टर असद हारिस कहने वाला ऑपरेशन के पैसे भी लेता रहा। पुलिस ने जाली डॉक्टर को निश्तर इंतजामिया की शिकायत पर पकड़ा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, अपडेट कीजिएगा। जी निश्तर चौकी ने जो है वो निश्तर अस्पताल में कार्रवाई की है और जाली डॉक्टर जो असद हारिस हैं उनको हिरासत में लिया है, जो कि निश्तर अस्पताल में ऑपरेशनों में भी शरीक थे और दूसरे इलाज मुआवजे की सहूलियात भी जो है वो मरीजों को दे रहे थे। किस तरह से ये कर रहे थे हारिस, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये बताएं, और कितने अरसे से आप निश्तर में थे? सॉरी मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। आप ये बताएं ना, आप कितने अरसे? मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। अच्छा कैसर साहब, ये तो कुछ नहीं बोलना चाह रहे, थोड़ा सा आप बताइएगा किस तरह से ये हुआ और कैसे ये चीज सामने आई? बताया जा रहा है एफएससी के महज ये अभी स्टूडेंट हैं और इन्होंने ये इस तरह से किया है, तो ये जिंदगियों से लोगों के खेला जा रहा था। जी सारी, हमें 2-3 दिन कबल हमें ये अंदर इंतजामिया की तरफ से भी हमें कुछ इशारे मिले थे और कुछ हमारे भी अंदर के जो दोस्त हमारे अंदर ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उन्होंने भी हमें बताया भी यहाँ एक जाली डॉक्टर जो खुद को अपने आप को जो ना डॉक्टर शो कराता है लेकिन हकीकत में वो डॉक्टर नहीं है। वो ना अफसरान बाला के पास, सीनियर अफसरों के पास जाके खुद को डॉक्टर शो करवा के वहाँ से टेस्ट फ्री करवा लेते हैं, ये वहाँ से अंदर से टेस्ट फ्री लिखवा लिया, इधर से साइल से पैसे ले लिए। वो फिर इसी तरह OPT में चला गया, वहाँ जो बाहर साइल देख रहा होता है उसको तो यही पता होता है भाई ये डॉक्टर है, ये अंदर जाके OPD में भी अपना जाके किरदार अदा करके फिर बाहर से आके साइल से पैसे नौसरबाजी कर लेते थे। ये साइल ऑपरेशंस वगैरह के हवाले से भी कोई वीडियो सामने आई है, तो ये सारा मामला भी देखिए हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, अभी चूंकि अभी थोड़ा वक्त गुजरा है, हो सकता है मजीद कुछ इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए। सरदास तो ये अभी तस्लीम कर चुका है, रहीम यार खां का ये रिहायशी है, मजीद इसकी जो है ना हाल जो इसकी जहाँ मुल्तान में जो रिहायश है उसकी भी तफ्तीश करके हम वो भी मालूम कर रहे हैं अभी, यह मुल्तान में किसके पास रहता है, क्या इसमें मुल्तान में इसके कोई और दीगर साथी भी हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में किसके पास रहता है और कोई दीगर साथी भी है? रहीम यार खान का असद हारिस जो है वो रिहायशी है, थाना चौकी जो निश्तर की जो चौकी है यहाँ पर जो है वो इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। और जिस तरह से ये बड़े सीनियर डॉक्टर से फ्री टेस्ट लिखवा कर लोगों से पैसे भी बटोर रहे थे और रहीम यार खान के रिहायशी हैं, यहाँ पर ये कहाँ रह रहे थे, तमाम तर चीज़ों की जो है वो पुलिस तहकीकात करेगी।